I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and the CN Making. This is module number 51, and we are talking from the book of Total Leadership written by Stewart D. Friedman. And the title of the module is Be Real, Act with Authenticity, Clarify What's Important to You. So we have to go through now different exercises. In exercises, we cover total leadership perspective. वो जान सकते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द टोटल लीडरशिप रिमेंबर वन थिंग दैट यू हैव टू बी वट यू आर ये चीज बहुत अहम इसलिए है ताकि हम अपना सेल्फ एनालिसिस सेल्फ कथारसिस वो कर पाए हम ये जान पाए कि हमारा एक्चुअल पोटेंशियल वो क्या है और अपनी कंपिटेंसीज और प्रोफिशेंसी को जानते हुए अपना एनालिसिस करते हुए हमें यह बात देखनी होगी कि हमारा ताल्लुक दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ वो कैसे होगा और यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हम अपने आप को पहचान ना पाए जब तक हमारी सेल्फ अवेयरनेस वो ना हो तो बाई द टाइम जब हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे दैट वुड बी द मोमेंट वेन अवर इमोशनल इंटेलिजेंस वुड बी हाई एंड विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड वट अदर्स आर इवन टॉकिंग अबाउट नाउ द टोटल लीडरशिप प्रस्पेक्टिव इज एक्चुअली based upon few things. The first thing is that your life important events should be known to you. What are your incidents and accidents of life? What aspects actually Actually, we need to know what are the aspects that actually shape us in The second important thing is that you should be able to know your heroes. That who are your heroes? आर योर गाइड मॉडल्स हु आर द पीपल जो आपको एक्चुअली इंस्पायर कर रहे हैं बिकॉज उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेजुअली हमें वो अपने अंदर भी इनकॉर्पोरेट वो करनी होगी द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वुड बी दैट यू शुड बी एबल टू नो दैट वट इज योर डिजायर्ड फ्यूचर आप किस मुस्तकबिल को अपना हाल बनाना चाहते हैं आपका विजन फ्यूचर के बारे में वो क्या है Because unless and until, हमें यह पता नहीं होगा कि वेयर वी एक्चुअली वॉन्ट टू गो देनी रोड विल टेक वी शुड बी एबल टू कम्प्रीहेंड के हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं और हमारी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट वो क्या है एट द सेम टाइम वी शुड बी ऑल्सो नोइंग वट आर अवर कोर वैल्यूज बिकॉज हमारी कोर वैल्यूज एक्चुअली हमें शेप अप करती हैं हमारी कोर वैल्यूज हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होती हैं और हमारी कोर वैल्यूज तयन करती हैं कि हमारे लाइफ में डूज एंड डोंट्स वो क्या होंगे नाउ रिमेंबर दैट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फिन वी शुड बी एबल टू सेट ऑफ एंड वी शुड बी एबल टू नो दैट वट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अस नाउ टू नो दैट वट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अस देर इज ए पिरामिड विच इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग अवर हरारकी ऑफ प्रियोरिटी एंड दट देर इज ए टेबल ऑन द स्लाइड जिसके ऊपर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज और उन प्रायोरिटीज की वो कितनी है अब अपने के से, अपने के में हमें ये प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे लिए कितने प्रियोरिटाइज हैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम अपने स्टेक होल्डर्स को हाई क्रिटिकल वैल्यू वो दे रहे हैं कौन से हमारे लाइफ के एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स आर क्रूशल टू अस बिकॉज अनलेस एंड अंटल हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे हमारे लिए डिफिकल्ट होगा यह जानना कि वट एक्चुअली इज नीडेड बाई अस अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो माई डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि जब हम अपनी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ सेट कर रहे हैं तो उन प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ में हमारे लिए उनकी क्रिटिकलिटी को जानना और उनकी इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है बिकॉज उसी नो हाउस से उसी जानने से हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस के अंदर डेवलप वो कर सकेंगे विल बी बिकमिंग मोर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड विल बी नोन एज बेटर लीडर्स थैंक यू